मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहां हिंदू आबादी 41.39% है, ईसाई आबादी भी लगभग इतनी ही यानी 41.29% है, शेष 8.4% आबादी मुसलमानों की है। इसलिए मणिपुर में भाजपा और हिंदूवादी संगठनों को शीर्ष संगठन संघ परिवार के अपने उम्मीदवारों को प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने के लिए अपनी पूरी रणनीति बदलनी पड़ रही है। जब भाजपा को उसके वैचारिक पित्र संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चश्मे से देखा जाता है, कुल मिलाकर कहा जाए तो संघ परिवार को पानी और तेल को किसी तरह से मिलाना ही होगा। आर के रंजन एक पर्यावरण विद हैं और भाजपा के अन्य नेताओं के कमरों की तरह उनके कमरे में किसी आरएसएस के विचारकों या हिंदू देवी देवताओं का कोई पोस्टर नहीं है। इसके बजाय उनके कमरे की अलमारियां पुस्तकों से भरी हैं, जो कि उनके गंभीर अध्ययनशील व्यक्तित्व को दर्शाता है। रंजन ने तो स्वीकार किया है कि उनकी राजनीति में बहुत रुचि नहीं है, बल्कि वो अनिच्छा से नेता बने हैं। मणिपुर की आबादी में मैतेई समुदाय की संख्या आधी से अधिक है। घाटी में मैतेई मतदाताओं को खुश करने के लिए संघ परिवार को उन्हें आश्वस्त करने की जरूरत है। इसके साथ साथ तथ्य ये भी है कि ज्यादातर मैतेई हिंदू हैं, जो भाजपा को मदद करते हैं। यही वजह है कि मैतेई बहुल इम्फाल घाटी में भाजपा के उम्मीदवार रंजन दिलचस्प विरोधाभासों से रूबरू हो रहे हैं। अपनी नई वफादारी स्वीकार करने के बाद से रंजन इसके समर्थन में कह रहे हैं कि इस देश का नाम हिंदुस्तान है, यही कारण है कि इस देश में प्रत्येक नागरिक हिंदू है। ये एक अवधारणा है, ये धर्म पर आधारित नहीं है। हालांकि इम्फाल के बाहर वो इस बात को बोलने से परहेज करते हैं और बोले में सतर्क भी रहते हैं। वहीं आउटर मणिपुर से भाजपा उम्मीदवार बेंजामिन माते इस बात को लेकर परेशान हैं कि वो नागरिकता संशोधन विधेयक से लेकर अयोध्या मुद्दे तक अपने प्रचार अभियान में क्या बोलें, लोगों के सवालों का क्या जवाब दें। जब आउटर संसदीय सीट की बात आती है तो यहाँ का अधिकांश वोट सत्तारूढ़ पार्टी को जाता है, यही कारण है कि वो भाजपा के उम्मीदवार हैं, अन्यथा नहीं रहते। असलियत ये है कि माते को विद्रोही कूकी गुटों का समर्थन मिला हुआ है। उधर घाटी में मैतेई समुदाय को डर है कि कहीं नगा समुदाय को स्वायत्तता ना मिल जाए। अगर ऐसा हो गया तो वो नगालैंड में मिलने या बृहत्तर नगालैंड की बात करेंगे और कूकी समुदाय मिजो समुदाय से मिल जाएगा। ऐसे में मणिपुर विखंडित हो जाएगा। यही कारण है कि अतीत में कांग्रेस सरकारों ने ना तो कूकियों से कोई बात की और ना ही नगाओं से।